गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम इंजीनियर अजय। वेलकम ऑल ऑफ यू इन डिजिटल क्लासेस प्रोवाइडेड बाय राजस्थान एकेडमी चूरू फॉर प्रिपरेशन ऑफ एंट्रेंस एग्जाम ऑफ सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, राय स्पोर्ट्स स्कूल एंड नवोदय विद्यालय। इट्स क्लास ऑफ रीजनिंग एंड आवर टॉपिक इज एनालॉजी। इट्स न्यू टॉपिक, लेट्स स्टडी अबाउट एनालॉजी। अपना लास्ट टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है, कोडिंग डिकोडिंग। अब ये जो अपना न्यू टॉपिक है एनालॉजी, इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। व्हाट इज एनालॉजी, एनालॉजी क्या है, कैसे है, जो भी है इसके बारे में अपन जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एनालॉजी मीन्स कोरेस्पोंडेंस और सिमिलरिटी। तो एनालॉजी का मतलब, एनालॉजी मीन्स कोरेस्पोंडेंस और सिमिलरिटी। यानी एनालॉजी का मतलब है, अपन एनालॉजी किस से लिंक कर सकते हैं, या तो कोरेस्पोंडेंस या सिमिलरिटी, मतलब इनका ही सिनोनिम है एनालॉजी। और कोरेस्पोंडेंस या सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है, हिंदी में देखें तो समानता या सादृश्यता। तो एनालॉजी मीन्स कोरेस्पोंडेंस और सिमिलरिटी, कोरेस्पोंडेंस और सिमिलरिटी। यानी कि सिमिलरिटी का मतलब समान, दो कोई भी वर्ड्स हैं या नंबर्स हैं या कोई लेटर्स हैं या कोई कुछ भी हैं, एनिमल्स हैं, एवरीथिंग जो भी है, उनमें जो सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी को पहचानना ही क्या है, एनालॉजी, ठीक है। तो अपन जानते हैं एनालॉजी की डेफिनेशन देखते हैं। इन एनालॉजी ए पर्टिकुलर रिलेशनशिप इज गिवन, कि एनालॉजी में क्या होगा कि अपन को एक पर्टिकुलर रिलेशन दिया हुआ होगा दो चीज़ों के बीच में, दो जो भी थिंग्स हैं उनके बीच में। वो थिंग्स में वर्ड्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, लेटर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, उनके बीच में एक पर्टिकुलर रिलेशन दिया हुआ रहेगा। वो अपन को रिलेशन है जो उनके बीच में, वो आइडेंटिफाई करना होगा कि इन दोनों में क्या रिलेशन दिया हुआ है, क्या संबंध दिया हुआ है, वो अपन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एंड अनदर सिमिलर रिलेशनशिप हैज़ टू आइडेंटिफाइड फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स प्रोवाइडेड। और अपन को अनदर जो सिमिलर रिलेशनशिप है, उसी के सिमिलर रिलेशनशिप, उसी के समान संबंध है, वो निकालने के लिए क्या है, अपन जो अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं अपन को ऑप्शन में, उनको यूज करेंगे अपन, ठीक है। यानी कि जो पहले दो वर्ड्स, लेटर्स या नंबर्स में रिलेशनशिप अपन को दिया हुआ होगा, उसको अपन पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि इनमें क्या रिलेशनशिप है। फिर जो नेक्स्ट आपको वर्ड, लेटर या नंबर दिया हुआ होगा, उसका जो रिलेशन है, वो अपन उसका रिलेटेड जो भी वर्ड, लेटर या नंबर है, वो अपन किससे, अल्टरनेटिव से निकालेंगे, ठीक है। तो अब इसमें रिलेशनशिप बिटवीन, कि जो एनालॉजी है उसमें रिलेशनशिप है वो बिटवीन किन किन के बीच में दी हुई होती है रिलेशनशिप। एक तो होती है वर्ड्स में, वर्ड्स में रिलेशनशिप दी हुई होती है, या लेटर्स में, या फिर नंबर्स में, ठीक है। जो रिलेशनशिप है भाई, दो कोई भी टू थिंग्स होंगी, दो वस्तुएं होंगी, उनके बीच में ही रिलेशनशिप होगी, ठीक है। किसी एक, कोई भी ओनली वन पर्सन है उसमें रिलेशनशिप थोड़ी हो सकती है। रिलेशनशिप और कंपैरिजन हमेशा दो या दो से अधिक, यानी कि टू और मोर देन टू थिंग्स हैं, उनमें होता है, ठीक है। तो रिलेशनशिप किन में होगा, इसमें या तो वर्ड्स में होगा, या लेटर्स में होगा, या नंबर्स में होगा, ठीक है। तो टू मेथड्स ऑफ रिलेशनशिप, इसमें क्या है, रिलेशनशिप के भी दो मेथड होते हैं, टू मेथड्स होते हैं। कौन कौन से, अपन को क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिया हुआ होगा, तो आप मान लो इस फॉर्मेट को देखो, इमेजिन कि ये ए है और ये बी है, और इनमें क्या है, अपन को पहले तो या तो क्या करेगा,
ए और बी में, ए एंड बी इनमें रिलेशनशिप दे देगा, ए की बी में रिलेशनशिप दे देगा, बी की ए में दे देगा, ठीक है। और अपन को किसकी, सी की निकालनी पड़ेगी, सी दे देगा अपन को, तो सी की वही सिमिलर रिलेशनशिप लगा के अपन को डी निकालना पड़ेगा, तो सी की डी में हो जाएगी रिलेशनशिप और डी की किस में हो जाएगी, सी में, ठीक है। तो एक मेथड, पहला मेथड तो क्या है, जो फर्स्ट टू लेटर्स वर्ड्स या नंबर्स हैं उनमें रिलेशनशिप दे देगा आपस में, ए की बी में और बी की ए में, तो वही सिमिलर रिलेशनशिप किस में हो जाएगी, नेक्स्ट टू में, सी की डी में हो जाएगी और डी की सी में, ठीक है। फर्स्ट मेथड तो ये, सेकंड ये कि आपको जो फर्स्ट टू है, जो फर्स्ट टू लेटर्स नंबर्स या वर्ड्स हैं उनकी रिलेशनशिप आपस में नहीं देगा, जो फर्स्ट लेटर नंबर या वर्ड है उसकी रिलेशनशिप किसके साथ देगा, थर्ड के साथ देगा, ठीक है। और थर्ड फर्स्ट की थर्ड के साथ देगा तो थर्ड की फर्स्ट के साथ ऑटोमेटिक हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट की थर्ड के साथ देगा और थर्ड की फर्स्ट के साथ हो जाएगी, तो अपन को आंसर निकालेंगे तो अपन वही सिमिलर रिलेशनशिप किस में आइडेंटिफाई करेंगे, सेकंड जो वर्ड लेटर या नंबर है उसकी रिलेशनशिप किसके साथ करेंगे, फोर्थ के साथ। फर्स्ट की थर्ड के साथ कर दिए तो सेकंड की किसके साथ करेंगे, वही रिलेशनशिप फोर्थ के साथ, ठीक है। तो दो मेथड हो गए, एक तो जो फर्स्ट टू हैं उनमें रिलेशनशिप और जो सेकंड टू हैं उनमें हो गई, यानी कि फर्स्ट और सेकंड में हो गई और थर्ड और फोर्थ में हो गई। दूसरी है फर्स्ट की रिलेशनशिप थर्ड के साथ, थर्ड की फर्स्ट के साथ और सेकंड की फोर्थ के साथ और फोर्थ की सेकंड के साथ। तो देर दीज आर टू मेथड्स ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। अपन आगे एनालॉजी का एक क्वेश्चन देखते, ठीक है। क्वेश्चन किस टाइप से आता है, तो एनालॉजी का क्वेश्चन भी आपके कोडिंग डिकोडिंग के तरह ही आएगा, ठीक है। इसमें क्या आएगा, ये तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा आपको एग्जांपल, इसमें क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, इफ कॉलेज इज रिलेटेड विद स्टूडेंट्स देन हॉस्पिटल इज रिलेटेड विद, तो हॉस्पिटल किसके साथ रिलेटेड है, कि इफ कॉलेज इज रिलेटेड विद स्टूडेंट्स, यानी कि कॉलेज का संबंध किससे है, कॉलेज का रिलेशन किससे है, स्टूडेंट से है, देन हॉस्पिटल इज रिलेटेड विद, तो हॉस्पिटल का संबंध किसके साथ होगा, ठीक है। तो इसमें अपन ने शॉर्ट फॉर्म में जैसे कोडिंग डिकोडिंग में लिखते थे वैसे ही लिख लिया है इसको भी, कॉलेज का रिलेशन किससे है, स्टूडेंट से है, तो हॉस्पिटल का ये अपन को निकालना है, तो क्वेश्चन मार्क कर ये शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। अब कॉलेज का रिलेशन स्टूडेंट से कैसे है, कॉलेज है एक प्लेस है, कॉलेज एक प्लेस है ना, तो प्लेस है, स्टूडेंट्स उस प्लेस में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये किसका हो गया, प्लेस एंड जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो हॉस्पिटल। तो अपन ने इसमें रिलेशन निकाल लिया ना, अपन को समझ में आ गया ना, कॉलेज एक प्लेस है, ठीक है, स्टूडेंट्स उसमें क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो ये रिलेशन क्या है, एक प्लेस का है और वहाँ पे क्या काम होता है, ठीक है, पर्टिकुलर किन के साथ और क्या काम होता है उसमें है रिलेशन। तो प्लेस है कॉलेज एक और उसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो अब हॉस्पिटल, हॉस्पिटल भी एक क्या है, प्लेस है, यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्या किया जाता है, एजुकेट किया जाता है, ठीक है। कॉलेज में, कॉलेज एक प्लेस है, यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्या, एजुकेट किया जाता है। तो ये हो गया रिलेशन। तो हॉस्पिटल भी एक प्लेस है, प्लेस है हॉस्पिटल भी एक, ठीक है, और हॉस्पिटल में क्या है, जो पेशेंट्स हैं उनको क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये सिमिलर रिलेशन हो गया ना, इसमें तो स्टूडेंट्स को एजुकेट किया जाता है
कॉलेज में तो, और हॉस्पिटल भी प्लेस ही हो गया, कॉलेज भी प्लेस ही है, और हॉस्पिटल में क्या है पेशेंट्स का क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप है, ऐसे फर्स्ट टू हैं उनमें अपन रिलेशनशिप निकालेंगे और उसी सिमिलर उसके जैसी ही रिलेशनशिप इन दो में हो जाएगी। ठीक है, तो ये कॉलेज एक प्लेस था, उसमें स्टूडेंट्स क्या एजुकेट होते हैं। ठीक है, तो प्लेस और स्टूडेंट्स एजुकेट हो रहे हैं, तो हॉस्पिटल भी एक प्लेस हो गया और यहाँ पे क्या पेशेंट्स का क्या होता है, ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, पेशेंट्स। ठीक है, आ गया समझ में, ऐसे रिलेशनशिप निकालेंगे। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एनालॉजी, ये एनालॉजी कितने टाइप की होती है, तो टाइप्स ऑफ एनालॉजी, तो एनालॉजी को तीन पार्ट्स में, थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है वर्ड एनालॉजी, सेकंड है लेटर एनालॉजी और थर्ड है नंबर एनालॉजी। ठीक है, तो एनालॉजी को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट है वर्ड एनालॉजी, सेकंड लेटर एनालॉजी और थर्ड है नंबर एनालॉजी। अब अपन एनालॉजी का फर्स्ट टाइप पढ़ते हैं, वर्ड एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी के बारे में पढ़ेंगे अपन कि व्हाट इज वर्ड एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी क्या है। इन वर्ड एनालॉजी टू वर्ड्स आर रिलेटेड टू ईच अदर इन ए पर्टिकुलर वे और मैनर, कि वर्ड एनालॉजी में क्या होता है कि टू वर्ड्स, दो वर्ड्स होते हैं, वो एक दूसरे से क्या रिलेटेड होते हैं, संबंधित होते हैं। टू वर्ड्स आर रिलेटेड विद ईच अदर इन ए पर्टिकुलर मैनर, एक पर्टिकुलर तरीके से या पर्टिकुलर रूल से। ठीक है, एंड वी रिक्वायर टू आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन फर्स्ट टू वर्ड्स, और अपन को क्या है, अपन को क्या आइडेंटिफाई करना पड़ता है जो रिलेशनशिप है, जो फर्स्ट टू वर्ड्स में जो रिलेशनशिप है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि इसमें कौन सी रिलेशनशिप है, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। एंड देन चूज द वर्ड फ्रॉम गिवन अल्टरनेटिव विच इज रिलेटेड टू थर्ड वर्ड इन सेम वे, और उसके बाद देन उसके बाद अपन को जो अल्टरनेटिव दिए गए हैं, जो ऑप्शंस होते हैं, उनमें से एक वर्ड को चूज करना पड़ता है, ऑप्शन को चूज करना पड़ता है जो थर्ड वर्ड जो आपको दिया होता है उसके साथ उसी मैनर में, उसी तरीके से रिलेशनशिप में हो। ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो डायरेक्ट सीधा साधा क्या है, इन वर्ड एनालॉजी रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स, इसमें वर्ड एनालॉजी में क्या होता है, जो वर्ड्स होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप रहती है। ठीक है, यानी कि आपको चार वर्ड्स दिए हुए होंगे, क्वेश्चन में तीन दिए हुए होंगे, वैसे चार वर्ड्स में, फोर वर्ड्स में क्या रिलेशनशिप होगी, तो फोर वर्ड्स में कैसे होगी, फर्स्ट टू वर्ड्स में एक रिलेशनशिप होगी, अपन को वो आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि इसमें क्या रिलेशनशिप लगी हुई है, फिर वही रिलेशनशिप अपन को थर्ड वर्ड के साथ मैच करके और अपन को फोर्थ वर्ड निकालना होता है। तो यही है वर्ड एनालॉजी। ठीक है, तो वर्ड एनालॉजी में क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स, वर्ड्स के बीच में रिलेशनशिप होती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, आपको एग्जाम्पल दे रखा है, देखिए बिहार, ठीक है, बिहार एक वर्ड है, ठीक है, वर्ड है, और वैसे बिहार वर्ड है, उसका क्या मीन्स है, बिहार मीन्स बिहार राजस्थान, सॉरी इंडिया का एक स्टेट है। ठीक है, बिहार एक वर्ड है जो क्या है, पर्टिकुलर अपने आप में क्या है, इंडिया का एक स्टेट है। ठीक है, और बिहार का रिलेशन किसके साथ दिया हुआ है, पटना, ठीक है, पटना है वो क्या है, बिहार की कैपिटल है, पटना भी एक वर्ड ही है, और वो क्या है, बिहार के साथ उसका रिलेशन क्या है, क्या रिलेशनशिप है, कि पटना है वो बिहार की क्या है, कैपिटल है, बिहार की राजधानी है। तो अपन को नेक्स्ट रिलेशन समझ में आ गया, ये तो स्टेट है और ये उसकी कैपिटल है, ये रिलेशन है। तो अपन को नेक्स्ट में भी क्या रिलेशन लगाना है, स्टेट एंड कैपिटल, तो आपको स्टेट दे दिया राजस्थान, तो
राजस्थान स्टेट दे दिया, तो अब आपको फोर्थ वर्ड निकालना हो तो आप क्या करोगे, राजस्थान की क्या, राजस्थान स्टेट हो गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगी फोर्थ में, कैपिटल, तो राजस्थान की क्या हो जाएगी, कैपिटल जयपुर। ठीक है, इजी है एकदम, इसमें आपका जीके स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, तो बिहार की पटना हो गई कैपिटल, तो रिलेशन समझ में आ गया, स्टेट एंड कैपिटल का है तो वही राजस्थान, राजस्थान स्टेट है तो इसमें लगा दीजिए, तो राजस्थान की कैपिटल क्या हो जाएगी, जयपुर। ठीक है, अब इसमें क्या है, वर्ड एनालॉजी में अपन स्टडी करेंगे तो अपन को बहुत से टाइप्स की रिलेशनशिप रहती है। ठीक है, ये तो अपन ने स्टेट एंड कैपिटल की पढ़ी है, और भी बहुत सी रिलेशनशिप होती हैं, अपन वो जो कॉमन रिलेशनशिप है कुछ उनके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि उन्हीं पे बेस्ट क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा। ठीक है, तो अपना काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप है उसके काइंड्स, टाइप्स, प्रकार। ठीक है, तो फर्स्ट है, फर्स्ट अपने रिलेशनशिप का फर्स्ट काइंड लिया है कंट्री एंड कैपिटल, कंट्री और कैपिटल, कंट्री एंड कैपिटल का मतलब हो गया कंट्री और कैपिटल के बीच रिलेशन। ठीक है, जैसे आपको एक वर्ड तो दे देगा उसमें क्या हो जाएगा, कंट्री का नेम आ जाएगा, और दूसरे वर्ड में क्या आ जाएगा, कैपिटल का नेम आ जाएगा, तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा, कंट्री एंड कैपिटल। ठीक है, जैसे आगे एग्जाम्पल दे रखा है आपको, देखिए इराक, फर्स्ट वर्ड जो दिया है इराक, और सेकंड दे दिया बगदाद। ठीक है, तो इराक, फर्स्ट टू वर्ड्स कौन से हैं, फर्स्ट है इराक, सेकंड है बगदाद, तो इनमें क्या रिलेशन हो गया, इराक क्या है, कंट्री है, बगदाद क्या है, कैपिटल है, तो ये किस टाइप का रिलेशन हो गया, कंट्री एंड कैपिटल का। तो अपन को थर्ड और फोर्थ देखने हैं, तो उसमें क्या है, अब जिस पहले कंट्री आ रहा है, फर्स्ट वर्ड मान लो कंट्री है और सेकंड क्या है, कैपिटल है, तो थर्ड वर्ड क्या होगा, कंट्री होगा, और फोर्थ क्या होगा, कैपिटल होगा। उल्टा मत कर देना, आप इसको रिवर्स मत कर देना, आप इसको पहले कैपिटल लिख दी फिर कंट्री लिख दी ना, तो गलत हो जाएगा ये, फर्स्ट कंट्री है सेकंड कैपिटल है, तो थर्ड भी क्या होगा, कंट्री होगा, और फोर्थ क्या होगा, कैपिटल होगा, थर्ड कैपिटल और फोर्थ कंट्री नहीं हो सकता। ठीक है, तो अपन आगे देखते हैं, तो थर्ड वर्ड क्या है, जापान, तो जापान भी क्या है, एक कंट्री है, तो फोर्थ क्या हो जाएगा, टोक्यो, कैपिटल। ठीक है, तो ये फर्स्ट काइंड ऑफ रिलेशनशिप हो गया कंट्री एंड कैपिटल। अब अपने सेकंड देखो, सेकंड है स्टेट एंड कैपिटल, स्टेट एंड कैपिटल में रिलेशनशिप, तो स्टेट समझते आप राज्य, और कैपिटल राजधानी। ठीक है, तो अपन स्टेट एंड कैपिटल में रिलेशन है, तो अपन को फर्स्ट वर्ड दे रखा है सिक्किम। ठीक है, तो सिक्किम स्टेट है कि इंडिया का, सिक्किम देखते ही आपको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि सिक्किम इज द स्टेट ऑफ इंडिया। तो सेकंड वर्ड दे रखा है गैंगटोक। ठीक है, तो सेकंड है गैंगटोक है, वो सिक्किम की क्या है, कैपिटल है। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड आपको सिक्किम दे रखा है, सेकंड गैंगटोक दे रखा है, मतलब फर्स्ट सिक्किम का मतलब हो गया स्टेट, और गैंगटोक का मतलब हो गया, गैंगटोक क्या हो गई, सिक्किम की कैपिटल हो गई ना, तो सेकंड वर्ड का क्या मीन्स हो गया, कैपिटल। तो ये किस टाइप का रिलेशन है, स्टेट एंड कैपिटल का। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ में भी वही आ जाएगा, पहले क्या आ जाएगा, स्टेट, तो स्टेट हो गया नागालैंड, स्टेट हो गया। अब फोर्थ वर्ड क्या होगा, कैपिटल होगी, और कैपिटल आप दूसरे स्टेट की नहीं लिख सकते, नागालैंड के आगे राजस्थान की नहीं लिख सकते, जिस स्टेट का नाम होगा उसी की कैपिटल आएगी आगे, तो नागालैंड, नागालैंड की कैपिटल क्या हो गई, कोहिमा। ठीक है, तो ये हो गया स्टेट एंड कैपिटल का रिलेशन। ठीक है, अब थर्ड अपन टाइप ऑफ रिलेशनशिप है कंट्री एंड करेंसी। ठीक है, कंट्री और करेंसी के बीच रिलेशन है। ठीक है, कंट्री समझते हो सभी, देश, जैसे अपना इंडिया, और करेंसी भी समझते हो सभी, करेंसी जो वहाँ की मुद्रा होती है, अपनी क्या है, रुपया, भी करेंसी का मतलब क्या हो गया, मुद्रा। ठीक है, तो अपनी करेंसी क्या है, रुपीज है, रुपया है ना, तो ये है कंट्री एंड करेंसी में रिलेशन।
तो आप इसका भी एग्जांपल देखते हैं अपन। मैं एक एक एग्जांपल ही करवा रहा हूँ, बाकी ये अनलिमिटेड है, लेकिन इतने सारे आपको करवाए नहीं जा सकते। आपको एक रिलेशन बताने के लिए एग्जांपल करवा रहे हैं, बस एक एक एग्जांपल। तो कंट्री और करेंसी में अपन देख रहे थे, तो कंट्री इंडिया आपके सामने फर्स्ट वर्ड आ गया, पहला शब्द आ गया इंडिया। तो इंडिया देखते ही आपके समझ में आ गया ये एक कंट्री है, ठीक है। सेकंड वर्ड आपने देखा रूपी, ठीक है, रुपीज लिखा हुआ है, तो रुपीज देखते ही आपके समझ में आ गया ये क्या है, करेंसी है, ठीक है। तो ये किस टाइप का रिलेशन है, कंट्री एंड करेंसी, ठीक है। तो इसको आप समझ गए, ये कंट्री हो गई, ये करेंसी हो गई, ठीक है। तो आपने आगे देखो थर्ड वर्ड क्या होगा आपके, कंट्री होगा चाइना, कंट्री हो गया, तो आगे क्या है, चाइना की करेंसी हो जाएगी। तो चाइना की करेंसी क्या होती है, युआन, ठीक है। तो ये हो गया कंट्री एंड करेंसी में रिलेशन। अब नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी उपकरण, ठीक है, उपकरण। और मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को मेजर करना, मापना, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट की इंस्ट्रूमेंट कोई भी उपकरण एंड मेजरमेंट, और वो उपकरण वो इंस्ट्रूमेंट किस चीज़ को किस थिंग को मेजर करता है, तो वो हो गया मेजरमेंट उसका, ठीक है। तो अपन क्या देख रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट एंड, तो इंस्ट्रूमेंट हो गया कोई भी इंस्ट्रूमेंट या उपकरण है, एंड मेजरमेंट, मेजरमेंट का मतलब हो गया वो इंस्ट्रूमेंट क्या मेजर करने के काम में आता है, ठीक है। तो ये हो गया इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट में रिलेशन। तो आपके फर्स्ट वर्ड आपको दे रखा है स्केल, स्केल दे रखा है, तो स्केल को देखते ही आपके दिमाग में आ जाएगा, आइडेंटिफाई कर लोगे आप इजीली कि स्केल क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है ना। और आगे क्या दे रखा है, स्केल के आगे सेकंड वर्ड दे रखा है लेंथ, लेंथ। तो लेंथ को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि स्केल है वो किसको मेजर करने के काम में आता है, क्या मेजर करता है। तो स्केल मेजर्स लेंथ, तो ये क्या हो गया, स्केल इंस्ट्रूमेंट हो गया, और ये लेंथ क्या हो गया, मेजरमेंट, कि स्केल कि क्या मेजर करता है, लेंथ करता है। तो फर्स्ट आपको वर्ड दे रखा है, वो दे रखा है इंस्ट्रूमेंट, सेकंड दे रखा है कि वो इंस्ट्रूमेंट क्या मेजर करता है, ठीक है। तो आप थर्ड में देखिए आपको दे रखा है एमीटर, ठीक है, एमीटर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। और अब थर्ड में आपके वर्ड आ गया एमीटर, मतलब एमीटर क्या आ गया, एक इंस्ट्रूमेंट आ गया। तो फोर्थ में क्या आ जाएगा कि एमीटर क्या मेजर करता है, ठीक है, क्या मेजर करता है, व्हाट एमीटर मेजर्स, क्या मेजर करता है। तो एमीटर मेजर्स करंट, कि एमीटर क्या मेजर करता है, करंट को मेजर करता है। तो ये आपके फोर्थ टाइप का रिलेशन हो गया इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट है क्वांटिटी एंड यूनिट, क्वांटिटी एंड यूनिट, ठीक है। ये सेम सेम से लग रहे हैं, आप इनको, इनमें डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वांटिटी एंड यूनिट, क्वांटिटी क्या होता है, किसी भी चीज़ की मात्रा, क्वांटिटी, समझते हो सभी। एंड यूनिट, यूनिट होती है इकाई, ठीक है। तो क्वांटिटी एंड यूनिट क्या हो गया, कोई भी थिंग है उसकी क्वांटिटी एंड उसको मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट काम में लेते हैं, कौन सी इकाई काम में लेते हैं। तो ये हो गया रिलेशन क्वांटिटी एंड यूनिट में। फर्स्ट इससे पहले था आपके इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, तो इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट में क्या था कि इंस्ट्रूमेंट था और वो क्या है, किस को मेजर करने के काम में आता है। क्वांटिटी में क्या हो गया, आपकी क्वांटिटी मात्रा हो गई, ठीक है, और यूनिट यानी कि उस क्वांटिटी को मापने के लिए क्या यूनिट, क्या इकाई काम में लेते हैं। तो यूनिट अलग चीज़ है, यूनिट मापने के लिए काम में आती है, लेकिन मापते किस में है, यूनिट वो होती है, और इंस्ट्रूमेंट उस जो थिंग है उसको मापता है, ठीक है, कोई भी। तो यूनिट और इंस्ट्रूमेंट में डिफरेंस होगा, ठीक है। तो क्वांटिटी एंड यूनिट में रिलेशन देखेंगे अपन। तो फर्स्ट है टाइम,
टाइम क्या है? क्वांटिटी है, मात्रा है। और टाइम को मापने के लिए, मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट काम में आती है? सेकेंड्स। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड तो हो गया आपके क्वांटिटी, सेकेंड हो गया यूनिट। ठीक है, तो क्वांटिटी को आप टाइम है, क्वांटिटी है, इसको आप सेकेंड्स में भी देखते हैं, मिनट्स में भी देखते हैं, आवर्स में भी, डेज में भी, ईयर्स में भी, लेकिन अपन क्या है कि ऐसा यूनिट देख रहे हैं मापने की, क्या है ऐसा यूनिट, यानी सबसे छोटी यूनिट है। ठीक है, अब टाइम, टाइम तो हो गई क्वांटिटी, सेकेंड्स हो गई इसकी मेजर करने की क्या यूनिट्स। तो अब अपने थर्ड वर्ड आएगा, वो क्या आएगा? क्वांटिटी आएगा, तो एनर्जी, ऊर्जा, क्या हो गया? क्वांटिटी। तो नेक्स्ट क्या आएगा? एनर्जी की यूनिट, मेजर करने की यूनिट। तो एनर्जी को किस में मेजर करते हैं? एनर्जी को जूल में मेजर करेंगे अपन। ठीक है, तो एनर्जी की यूनिट क्या हो गई? जूल। ठीक है, तो ये आपके फिफ्थ टाइप का हो गया रिलेशनशिप, किस में? क्वांटिटी एंड यूनिट में। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिविजुअल, नेक्स्ट है इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स। इंडिविजुअल का मतलब सिंगल, कोई भी सिंगल थिंग, या सिंगल पर्सन हो, या सिंगल एनिमल हो, कुछ भी हो, तो इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स। और एक होता है ग्रुप, समूह है, बहुत सारे लोग। ठीक है, तो इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स में जो रिलेशन है वो है। ठीक है, तो एक तो कोई भी एक सिंगल होगा, या तो पर्सन हो या एनिमल हो, एक बहुत सारे पर्सन्स या एनिमल्स हो जाए, यानी मोर देन 2, 3, 4। ठीक है, तो वो हो गया ग्रुप। ठीक है, तो अब रिलेशनशिप अपन किस में देख रहे हैं? इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स में। ठीक है, तो आपने देखो वर्ड दे रखा है पहला एग्जांपल में प्लेयर, प्लेयर का मतलब एक प्लेयर, सिंगल प्लेयर, यानी खिलाड़ी, एक सिंगल खिलाड़ी। ठीक है, प्लेयर, तो ये तो प्लेयर क्या हो गया? प्लेयर वर्ड को देख के अपन क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि प्लेयर है, इंडिविजुअल है, सिंगल प्लेयर है। ठीक है, और सेकंड वर्ड है टीम, टीम क्या हो गई? ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को अपन क्या बोल देंगे? टीम। तो ये टीम क्या हो गई? ग्रुप हो गया ना, तो प्लेयर हो गया इंडिविजुअल और टीम हो गया ग्रुप। तो ये रिलेशन क्या है? पहले अपन को इंडिविजुअल दे रखा है फर्स्ट वर्ड में, सेकंड वर्ड में ग्रुप दे रखा है। ठीक है, ग्रुप भी उसी का दे रखा है जिसका, जो इंडिविजुअल दे रखा है उसी का ग्रुप, कोई अदर ग्रुप नहीं। ठीक है, तो प्लेयर इंडिविजुअल है और ग्रुप ऑफ प्लेयर्स क्या हो गया? टीम। ठीक है, तो टीम हो गया ग्रुप। ठीक है, तो आपने तीसरा, आपने थर्ड वर्ड क्या दे दिया? सोल्जर। सोल्जर का मतलब एक सिंगल सोल्जर, एक अकेला सिपाही। ठीक है, सोल्जर को देखते ही आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या, एक सिंगल सोल्जर है, मतलब इंडिविजुअल है। तो आगे क्या आ जाएगा? फोर्थ वर्ड क्या आ जाएगा? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। ठीक है, पहले इंडिविजुअल है तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? ग्रुप। तो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को अपन क्या बोलेंगे? आर्मी। ठीक है, तो फोर्थ वर्ड आ जाएगा आपके आर्मी। ठीक है, तो ये रिलेशन हो गया इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स में। नेक्स्ट है एनिमल्स एंड यंग वन। एनिमल्स यानी कि जानवर, इसमें आप एनिमल्स में ही जो ह्यूमन बीइंग है उनको भी इंक्लूड कर लीजिए। ठीक है, तो एनिमल्स जो भी, मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है ना, वो सारी एनिमल्स में मान लीजिए इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एनिमल्स एंड यंग वन की, जानवर और यंग वन, उनके जो चाइल्ड बच्चे, यानी कि छोटा रूप। एक तो भाई आप भी एक पर्सन होता है, एक मैन होता है, बड़ा होता है, एक होता है चाइल्ड। तो चाइल्ड क्या हो गया? मैन का क्या हो गया? यंग वन हो गया ना, उसका छोटा रूप, यानी कि बच्चा। तो एनिमल्स एंड यंग वन यानी कि जानवर और उनके बच्चे। ठीक है, उनमें रिलेशन है। तो आपको फर्स्ट दे रखा है, फर्स्ट वर्ड देखो काऊ। काऊ, काऊ सभी जानते हैं, गाय। तो काऊ देखते ही आप क्या देख रहे हैं? ये एक एनिमल है।
अब सेकंड वर्ड देखो, फर्स्ट वर्ड से कभी अकेले सिंगल वर्ड से मैंने आपको बताया था रिलेशनशिप और कंपैरिजन एक सिंगल थिंग से नहीं हो सकते, टू और मोर देन टू थिंग्स हैं, उनमें ही रिलेशनशिप होता है, उनमें ही कंपैरिजन हो सकता है, उनमें ही डिफरेंस कर सकते हैं। तो काउ को देखते ही, आप काउ को देखते ही आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इसमें क्या रिलेशन है। तो आप सेकंड वर्ड और देखो क्या दे रखा है, काफ। तो काउ तो हो गया एनिमल, काफ, काफ होता है काउ का यंग वन, यानी जिसको अपन क्या बोलते हैं, बछड़ा। तो काउ एनिमल हो गया, काफ हो गया यंग वन, ठीक है। तो आपको देखते ही समझ में आ गया कि ये क्या है, किस टाइप का रिलेशनशिप है, एनिमल्स एंड यंग वन। तो आपके थर्ड वर्ड आपको दे रखा है शीप, शीप दे रखा है। तो शीप होता है भेड़। तो नेक्स्ट फोर्थ वर्ड क्या आ जाएगा, शीप का जो यंग वन होता है, तो शीप का यंग वन क्या होता है, लैम्ब, लैम्ब होता है शीप का यंग वन। तो लैम्ब होता है मेमना जिसको अपन बोलते हैं। तो ये अपने रिलेशन हो गया एनिमल्स एंड यंग वन में, एनिमल्स और उनके जो यंग वन है उनमें। एट है मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल, ठीक है। मेल और फीमेल सभी जानते हो, मेल जेंडर टू टाइप्स के होते हैं, मेल और फीमेल, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, एनिमल्स भी आ जाएंगे और जो पर्सन्स ह्यूमन बीइंग्स हैं वो भी आ जाएंगे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सारे आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो मेल एंड फीमेल, तो मेल और फीमेल में रिलेशनशिप में अपन देखते हैं, फर्स्ट वर्ड आपको दे रखा है एग्जांपल में हॉर्स, हॉर्स है, हॉर्स सभी जानते हैं घोड़ा, ठीक है। तो हॉर्स है, उसको देख के अपन ये नहीं देख सकते भाई ये तो मैंने आपको सामने लिख रखा है तो आपको दिख रहा है कि आगे ये मेल और फीमेल में रिलेशन है, लेकिन एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो वो सामने देखे नहीं रखेगा कि किस टाइप का रिलेशन है। तो हॉर्स, अकेले हॉर्स को देख के अपन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि क्या रिलेशन है। तो सेकंड वर्ड देखते हैं मेयर, मेयर क्या होती है, घोड़ी, ठीक है। तो हॉर्स है क्या है, मेल है। तो फर्स्ट जो वर्ड दे रखा है वो क्या है, हॉर्स, हॉर्स का मीन्स अपन ने क्या आइडेंटिफाई किया कि हॉर्स मेल है। तो सेकंड अपन को दे रखा है मेयर, मेयर क्या है, फीमेल है। तो ये किस टाइप का रिलेशन हो गया, मेल एंड फीमेल। तो थर्ड वर्ड अपन देखेंगे क्या दे रखा है अपन को, कॉक, कॉक जानते हैं सभी, मुर्गा। तो कॉक क्या हो गया, मेल। तो फोर्थ वर्ड क्या आ जाएगा, फीमेल आएगा। तो कॉक का फीमेल क्या होता है, हेन, ठीक है। तो ये समझ गए आप मेल एंड फीमेल में रिलेशनशिप। नेक्स्ट है एनिमल एंड मूवमेंट, ठीक है, एनिमल एंड मूवमेंट। तो एनिमल एंड मूवमेंट में आप देखिए इसमें क्या है, एनिमल्स यानी कि जानवर। तो एनिमल्स जहाँ पे आ जाए ना रीजनिंग में, तो आप ये समझ लेना उसमें क्या है, एनिमल्स के साथ साथ ह्यूमन बीइंग्स हैं वो भी क्या है, इंक्लूड हैं। तो एनिमल्स एंड मूवमेंट्स यानी कि एनिमल्स जानवर, मूवमेंट का मतलब उनकी चाल, एनिमल्स और उनकी चाल है, मूवमेंट है, उसमें रिलेशनशिप, ठीक है। तो आपको सामने पहले दे रखा है बर्ड, बर्ड क्या होते हैं, पक्षी, ठीक है। फर्स्ट वर्ड है बर्ड, सेकंड दे रखा है फ्लाई, फ्लाई उड़ना। तो बर्ड क्या एक एनिमल हो गया, ठीक है, आपको मानना है बर्ड क्या है, एनिमल्स में ही जितने भी लिविंग हैं उनको एनिमल्स में ही मानना है। तो बर्ड क्या हो गया, एक एनिमल हो गया। फर्स्ट वर्ड को देखते ही अपन ने क्या आइडेंटिफाई किया कि एनिमल है, सेकंड को देखा फ्लाई, फ्लाई का मतलब मूवमेंट। तो फर्स्ट वर्ड जो दे रखा है, फर्स्ट वर्ड में जो एनिमल दे रखा है, सेकंड वर्ड में क्या दे रखा है, उसका मूवमेंट दे रखा है, ठीक है, उसकी चाल किस टाइप की होती है, किस टाइप का मूवमेंट होता है उसका। तो ये रिलेशनशिप क्या हो गई, एनिमल एंड मूवमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट टू में, अब थर्ड वर्ड अपन को दे दिया हॉर्स, हॉर्स एनिमल हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे एनिमल आ गया, तो नेक्स्ट वर्ड क्या होगा, जो हॉर्स की मूवमेंट है, जो एनिमल दे रखा है उसकी मूवमेंट है वो आएगा। तो अपन को एनिमल दे रखा है हॉर्स, तो हॉर्स की मूवमेंट है वो आएगा। तो नेक्स्ट वर्ड हो गया गैलोप, गैलोप,
जो हॉर्स की मूवमेंट है वो क्या होती है, उसको क्या बोलते हैं, गैलोप। जो घोड़े की चाल होती है ना उसको गैलोप बोलते हैं, जो टिक टिक की आवाज आती है उसको। ठीक है, नेक्स्ट है एनिमल एंड साउंड। ठीक है, नेक्स्ट रिलेशनशिप है एनिमल एंड साउंड। तो एनिमल एंड साउंड में आप देखिए, जो एनिमल दे रखा है आपको वो और उसकी साउंड, वो किस टाइप की आवाज निकालता है। तो एनिमल में आपको सभी लिविंग जो हैं उनको मान के चलना है, उसमें बर्ड्स भी हैं, ह्यूमन बीइंग्स भी हैं, एनिमल्स। ठीक है, तो आप इसका एग्जांपल देखिए, आपको फर्स्ट वर्ड दे रखा है लोइन। तो लोइन को देखते ही आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये क्या है, एक एनिमल है। नेक्स्ट दे रखा है रोर, सेकेंड वर्ड दे रखा है रोर। रोर का मतलब क्या होता है, दाड़ना। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड में क्या दे रखा है आपको, एनिमल दे रखा है। सेकंड में क्या दे रखा है, जो फर्स्ट वर्ड में एनिमल दे रखा है उसका साउंड दे रखा है कि उसका किस टाइप का साउंड होता है, किस टाइप से वो साउंड निकालता है, बोलता है, आवाज़ निकालता है। तो फर्स्ट वर्ड आपको लोइन दे रखा है, सेकेंड दे रखा है रोर, शेर और दाड़ना। तो ये हो गया रिलेशन किस में, एनिमल एंड साउंड में। ठीक है, किस टाइप का रिलेशन हो गया, एनिमल एंड साउंड में। ठीक है, तो थर्ड वर्ड आपको दे रखा है गोट। गोट एक एनिमल है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड, तो फोर्थ वर्ड क्या आ जाएगा, जो गोट साउंड, जो गोट की बकरी की आवाज़ होती है उसको, तो गोट साउंड, इसको गोट की जो साउंड होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लीट। ठीक है, बकरी जिस टाइप की आवाज़ निकालती है उसको क्या बोलते हैं अपन, ब्लीट। ठीक है, अब नेक्स्ट रिलेशनशिप है इंडिविजुअल एंड क्लास। ठीक है, इंडिविजुअल मतलब कोई भी सिंगल थिंग, सिंगल पर्सन, सिंगल एनिमल जो भी, एंड क्लास। क्लास का मतलब कि उनकी श्रेणी। श्रेणी का मतलब क्या होता है, जैसे जो मेल हैं, जैसे जो वुमेन्स हैं, तो उनकी क्या क्लास किस में आती हैं, ह्यूमन बीइंग्स में आती। मेंस हैं वो भी ह्यूमन बीइंग्स में आते हैं। तो क्लास क्या होता है, जो उनकी श्रेणी होती है वो। तो इंडिविजुअल सिंगल पर्सन और क्लास क्या हो गया, उनकी जो क्लास होती है, श्रेणी होती है। अपन ने एक पहले पढ़ा था इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स। ठीक है, तो इंडिविजुअल और ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल एंड क्लास, इन दोनों में डिफरेंस है। इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल जो ग्रुप बनता है वो एक सिंगल, जो एक टाइप के ही चीज़ों से मिलके बनता है, जो एक टाइप की थिंग्स से। क्लास होती है उसमें अलग अलग टाइप की थिंग्स होती हैं। ठीक है, जैसे स्टेशनरी है, एक क्लास है, पेन है, उसमें पेंसिल है, रबड़ है, सब आता है, तो उसमें अलग अलग टाइप के थिंग्स हैं। लेकिन ग्रुप्स में क्या होता है, एक ही टाइप्स के जो इंडिविजुअल होते हैं ना वो होते हैं। तो ये आप इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स और इंडिविजुअल एंड क्लास में डिफरेंस समझ गए। तो इंडिविजुअल एंड क्लास में देखिए, पहले आपको दे रखा है पेन। तो पेन क्या है, एक इंडिविजुअल थिंग है, एक सिंगल थिंग है। और नेक्स्ट सेकेंड वर्ड देखो, दे रखा है आपको स्टेशनरी। स्टेशनरी तो पेन की क्लास क्या है, स्टेशनरी है ना। तो पेन तो एक इंडिविजुअल थिंग है, सिंगल थिंग है, और स्टेशनरी क्या है, एक क्लास है। ठीक है, तो ये रिलेशन आपके समझ में आ गया, इंडिविजुअल एंड क्लास। तो नेक्स्ट आपको थर्ड वर्ड दे रखा है कप। कप को आप आइडेंटिफाई करेंगे तो कप क्या है, एक सिंगल थिंग है, इंडिविजुअल है। तो इसकी क्लास क्या हो जाएगी, कप क्लास। कप की क्लास क्या हो जाएगी, क्रॉकरी। कप किस में आता है, क्रॉकरी आइटम्स में आता है ना, तो उसकी क्लास क्या होगी, क्रॉकरी। एंड नेक्स्ट है इंडिविजुअल एंड ड्वेलिंग प्लेस। ठीक है, ड्वेलिंग प्लेस तो इंडिविजुअल, जो भी कोई इंडिविजुअल सिंगल पर्सन है या एनिमल है वो, एंड ड्वेलिंग प्लेस और उनके जो रहने का स्थान है। ठीक है, वो ठीक है, उसमें रिलेशन है। तो आप एग्जांपल देखो, लोइन। लोइन है, आप इसको देखोगे तो क्या आइडेंटिफाई किया आपने, ये क्या है, एनिमल है। सेकंड वर्ड देखो, डेन। डेन क्या होता है, डेन जहाँ पे लोइन रहता है, गुफा। ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है, फर्स्ट वर्ड में तो क्या आ रहा है, इंडिविजुअल आ रहा है, कोई भी एनिमल पर्सन या बर्ड। ठीक है, और नेक्स्ट सेकंड वर्ड में क्या आ रहा है, ड्वेलिंग प्लेस।
ठीक है। तो ये किस टाइप का रिलेशन हो गया, इंडिविजुअल एंड ड्वेलिंग प्लेस टाइप का। लॉयन एनिमल, डेन उसका ड्वेलिंग प्लेस, रहने का स्थान। तो थर्ड वर्ड आपको दे रखा है किंग। किंग क्या होता है, राजा। सिंगल है, इंडिविजुअल है, तो नेक्स्ट क्या होगा, किंग्स ड्वेलिंग प्लेस। तो किंग का ड्वेलिंग प्लेस क्या हो गया, पैलेस, पैलेस हो गया, महल। ठीक है, तो ये हो गया आपके इंडिविजुअल एंड ड्वेलिंग प्लेस में रिलेशन। ठीक है, तो ये अपन ने 1 to 12 टाइप्स के पढ़ लिए, जो काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप हैं, किसमें, वर्ड एनालॉजी में। इन पे बेस्ट क्वेश्चन आते हैं, आगे और भी हैं टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा और इनको लर्न कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।